विषयान् राज्य भोगान् सर्विष्टान् पश्चान्यान् समतिभवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनिष्ठापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसो नमस्तु यः स्वप्न की तरह दिखाई देने वाला है इसलिए कि उसके साथ उपयुक्त देश अनुपयुक्त देश अनुपयुक्त काल और कोई प्रमाण के द्वारा पुष्ट नहीं होना कोई सहमत भी नहीं होते हैं और कोई प्रयोजनीयता सिद्ध नहीं कर पाता आधिनंत वाला है और संस्कार जन्म नहीं सब कई दूसरे मतलब कारण देकर के सापनिक वस्तु मिथ्या है जैसे सिद्ध किया कि सारा हेतु हमारे जगत मिथ्यात्व में जगत में भी बैठा हुआ है इसलिए जगत भी मिथ्या है। तब ठीक है इतना समझ में आया। तो जब सभी जब मिथ्या है तो स्वप्न देखने वाला भी मिथ्या है कि नहीं है बोलते नहीं है कल्पना आत्मा करता है कल्पना तो उसका जो वो कल्पना करने वाला मिथ्या नहीं है जो कल्पित वस्तु वो मिथ्या होता है। कहाँ से कल्पना शुरू करता है बोलते हैं कि वो जीव से कल्पना शुरू होता है तब जो है जीव से कल्पना करना शुरू करता है और फिर जीव जो है अपने उपयोगी वस्तु को लेकर के उस आपको प्राप्त करके फिर अपनी उपयोगी वस्तु को कल्पना कर लेता है। अब प्रश्न हुआ कि कल्पना होता कैसे क्यों करता है तब बोला था अनिश्चिता यथारज्जु अंधकार विकल्पिता सर्पधारा दिविर भावे तद्वत आत्मविकल्प। अपने को अपने आप नहीं समझ पाने के कारण ही क्या होता है अपने ऊपर इतना सारा विकल्प कर लेते हैं। क्या क्या विकल्प करते हैं सुख अलग अलग बातों के मत को लेकर के बोलेंगे यहाँ पे मतलब ये अपने शरीर में ही प्राण इंद्रिय मन बुद्धि जितना है ये सब हमने कल्पना है शरीर के सारा अव्यवस्था कल्पना है और इसके साथ साथ इसका अगर व्यवहार होता है वो भी कल्पना है। ये कल्पना कब तक चलते रहते हैं तो पहले बोल करके आया एक बार अनादि माया शुक्र जगादि वो प्रबुद्ध थे अजमानित्रम स्वप्न वाद्वैतम बुद्ध देता था उसी के हम दूसरे शब्द से क्या बोल रहे हैं कि निश्चितायाम यथा रज्याम विकल्प विनिवर्तते रज्जु एव इति अद्वैतम च अद्वैतम तद्वत आत्मविनिश्चय। और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे है ना शास्त्रांग को क्या बोलते हैं जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप के अज्ञान के कारण निश्चय नहीं रहने के कारण हम उसके ऊपर भूषित्र माला दल जल धारा सर्प कितना सब हम कल्पना कर लेते हैं। उसी प्रकार सामने अधिष्ठान क्या तत्व तो है अपने स्वरूप को निश्चय नहीं रहने के कारण हम आपके ऊपर कई कल्पना करते हैं पहले मनुष्य हों फिर पुरुष हों फिर ब्राह्मण हों और फिर जो है ना जैसे वर्ण आश्रम धर्म सारा अपने ऊपर कल्पना करते हैं शरीर के धर्म मन के धर्म इंद्रियों के सब अपने ऊपर कल्पना कर लेते हैं। मतलब एक बार आत्मस्वरूप निश्चय हो जाने पर फिर ये विकल्प मिल जाता है ठीक है ना। तो कल यहाँ तक 17-18 तक पढ़ लिए थे ना 19 पढ़ लिए हाँ तो कैसे शुरू किया उसने तो बोलता है कहाँ से शुरू किया प्राणा ठीक है ना। जब सामान्य रूप व्यक्ति का ही मान लगता है कि प्राण ही शरीर को सृष्टि करता है और सुखी बोलते हैं ये प्राण भी कल्पित वस्तु है क्योंकि शास्त्र दिखाते हैं कि एतस्मात् जायते प्राणो मनो सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरागो पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। मुंडको प्रश्न कर एतस्मात् जायते प्राण मतलब इसी आत्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है तो जो उत्पत्तिशील वस्तु है वो स्वयं जगत के आदि कारण कैसे हो सकता है। इसलिए आप आगे इसको लेकर प्राण यहाँ से शुरू करता है विकल्प करना कि हमको लगता है कि मैं शरीर जो है प्राण के कारण ही टिका हुआ इसलिए शरीर के पहले प्राण की कल्पना करते हैं प्राणादि भी अनंत भावे उसके बाद जितना हमारे उपयोगी वस्तु हम कल्पना करते हैं परंतु इस प्रकार कल्पना इतना एक रस वस्तु में इतना सारा कल्पना हुआ कैसे एक रस वस्तु में इतना सारा कल्पना हुआ कैसे तो उत्तर क्या दिया माया ही ऐसा तस्य देवस्य यया समूहतोष ठीक है ना। वो देव की ये माया है आत्मदेव की एक माया है मतलब उसके अंतर्गत ही माया है तो जिसके द्वारा वो अपने आप मोहित होकर के उसमें आसक्त हो जाए जया इस माया से सम्मोहितम स्वयं अपने आप भी मोहित होकर वहाँ फंसा हो जाए
अपने आप में भेज देंगे तो सवाल कोई उनको कह भी करे तो ये नहीं है। यदि वो शुद्ध अंत करने वाला होगा प्रतिष्ठा रहेगा कि जाल से बाहर आओ तो वो बाहर आ सकता नहीं तो जाल में घूमते हैं ऐसा रहेगा। उन्निष्ठा हो गया था ना। आज जो है देखिए ये जो बोला ना प्राणादि भी अनंत रूप में एक एक क्या क्या कल्पना किया था तो उसको लेकर के टीकाकार भी इसके लिए उपलब्धा दे रहे ते के प्राणादयो अनंत भाव यही आत्मा विकल्प थे माया इति ठीक है ना। ते भाव के उन सब भाव वस्तु क्या क्या है ते के प्राणादयो अनंत भाव प्राणादि से लेकर के अनंत जितना भी वस्तु की कल्पना किया इसके जहिर जिन जिन विकल्पों के द्वारा आत्मा विकल्प जिन जिन वस्तु रूप में आत्मा को कल्पना किया जाता है 84 लाख योनि सबसे बड़ी और चतुर्दश भुवन और हिरण्यगर्भ दुहा में रहने वाले जीव सभी तो कल्पना है। इसीलिए हमें बोलते हैं ते के प्राणादय अनंता भावा जो भाव वस्तु है वो अनंत है। यह जिन जिन भावों के द्वारा आत्मा विकल्पते माया माया से अपने आप अपने इतने रूप में कल्पना कर देते नहीं करेंगे शरीर का मैं ही तो कभी सूक्ष्म शरीर कभी देवता भी बना कभी पशु भी बना कभी मनुष्य भी बना तो सब अपने आप कल्पना की माया विकल्पते जिन जिन भावों के द्वारा आत्माया से ये कल्पना होता है इस प्रकार अब वो भाव वस्तु क्या क्या है इतनी अपेक्षाया इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर प्राणादि विकल्पना उदाहरती कैसे कैसे अलग अलग वादियों ने जगत की सृष्टि के पीछे अलग अलग तत्व को माना हुआ है उसको लेकर के यहाँ पे जो है उसको उदाहरण की तरह समझा प्राणादि विकल्पना है जो प्राण फिर जो है भूत सारी चीज की जो हमने कल्पना की मतलब मनोवृत्ति है जो एक वस्तु है वो वस्तु इस प्रकार से उसके यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिखाते हैं। तो पहला श्लोक के साथ ये आपने बोला प्राणादि भी अनंत भावे वो क्या क्या है उस प्रश्न के उत्तर में आगे आते हैं। ते के प्राणादय अनंत भाव यही आत्मा विकल्पते माया अपेक्षायाम प्राणादि विकल्पना उदाहरती प्राणादि विकल्प को उदाहरण के रूप में कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20 से लेकर के और 28 तक कोई शंकर भाष्य नहीं इसके ऊपर भाष्य नहीं है। भाष्य का केवल इतना ही लिखते हैं केवल कि फल प्रयोजन का जत्न ना कृत प्रत्येक पदार्थ व्याख्यान लास्ट में देखिए पेज 107 में ठीक है ना। लास्ट में क्या लिखते हैं प्रत्येक पदार्थ व्याख्यान फलगु प्रयोजन यत्न ना तो अलग अलग मंत्र में आया हुआ अलग अलग पद के व्याख्यान करने में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है। फलगु प्रयोजनता निष्फल है। अल्प प्रयोजनता फलगु प्रयोजन टिप्पणी देखिए अत्यल्प प्रयोजनत्वाद अत्यंत मतलब महान कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है जगत को जानने से इसलिए बोलता है अल्प समुदाय अर्थ व्यजीन उक्त यहाँ भी इसीलिए अल्प को एक साथ मिला करके हमने कहा कर दिया सभी के अंदर तात्पर्य क्या है ना। इसको लेकर के बोल रहे हैं इसके ऊपर कोई भाष्य नहीं मतलब टीकाकार श्लोक के अर्थ को समझा टीकाकार श्लोक अर्थ को समझा क्या का छुपा हुआ गौर बालाचार्य के मन में तो उसको लेकर के देखिए बोल रहे हैं प्राण इति प्राण विदो भूतानि इति च तद्विदः गुणा इति गुणविदः सत्त्वानि इति च तद्विदः प्राणमिति प्राणविदो भूतानि इति च तद्विदः गुणादि गुणविदः सत्त्वानि इति च तद्विदः। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो प्राण तत्व को उपासक है या तो प्राण को सृष्टि हिरण्यगर्भ होता है कि श्रेष्ठ है इससे आगे नहीं जानते हैं वो लोग उसी को सृष्टि की कल्पना मानते हैं उसी सब सृष्टि में ऐसा मानते हैं ये भी कल्पना है ना कि प्राण इति प्राणविदो प्राण तत्व को लेकर के विचार करने वाले लोग वो लोग यही कहते हैं कि प्राण सबसे उपासना करने वाले प्राण ही जगत का मूल हेतु है ऐसा करके मानते हैं। भाई ये प्राण कहाँ से आया और इस सबके पीछे वेदांती का एक ही उत्तर होगा ये तुम जान के बोल रहे हो नहीं जान के बोल रहे हो प्राणा इति प्राण विद अगर ऐसा कहते हैं कि समझ के बोल रहे हो बिना समझ के बोल रहे हो ना
यदि बोलते नहीं बिना समझ के बोल दिया, मतलब नहीं जान से नहीं ऐसे ही बोल दिया अज्ञान से, पर दोनों पक्ष में वेदांति के पक्ष में लड़ गए, हाथ में लड़ गए। क्यों? लेकिन तुम बोलते हो कि जान करके बोलते हैं, तो जानने वाले से पीछे है, उसका सिद्ध सिद्ध कर दिया। यदि कहते हो कि नहीं जान के बोल रहे हैं, तब भी हमारा पैदा जो है अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अज्ञान जो है नहीं जानते, हमारे ही तो हम चाहते हैं कि नहीं जानते, मतलब अज्ञान ही उत्पत्ति है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनको हमारा अभिप्राय यही है, प्राण तत्व है, जिस जब लोग प्राण तत्व को उपासना करने वाले लोग प्राण शरीर में अथवा सृष्टि के आदि तत्व है, ऐसा करके कुछ लोग कहते हैं प्राण इति प्राणविद। हिरण्यगर्भ में हिरण्यगर्भ जो है ना, ये हमारा राजयोग के प्रणत मुख्य रूप से हिरण्यगर्भ, वहाँ पे जो है 20,000 श्लोक है, वहाँ 12,000 श्लोक है, उसी को महर्षि पातंजल ने उस सूत्राकार में 195 श्लोक में लिख दिया। राजयोग की प्रणत हिरण्यगर्भ का मानते हैं, ये प्राणविद, ये प्राणवेत्ता लोग, हिरण्यगर्भ उपासक लोग, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ स्वयं जो है उसका ये मानते हैं कि हिरण्यगर्भ ही सृष्टि के आदि तत्व है, उसी से राजयोग आया हुआ है। महर्षि पतंजलि ने उसको छोटे में संक्षिप्त में व्याख्या करके छोड़ दिया, सूत्राकार ने उसी के अभिप्राय उन्हीं से प्रवृत्त कर दिया। इस प्रकार हिरण्यगर्भ जगत के आदि कर दिया। हिरण्यगर्भ प्राण, समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ है, क्रिया शक्ति समष्टि क्रिया शक्ति। कोई बोलते नहीं नहीं हिरण्यगर्भ कैसे होगा, हिरण्यगर्भ कहाँ से आए? अरे हिरण्यगर्भ को बनेगा तब ना आएगा, कोई चीज़ बनने के लिए भूत चाहिए, इसीलिए तब बोलते हैं कि भूत से उत्पन्न होता है। ऐसा हमको साथ में दिखाई पड़ता है, आकाश हिरण्यगर्भ नहीं दिखाई पड़ता, आकाश वायु जल पृथ्वी दिखाई पड़ती है, चीज़ें शंकर को ये मानना चाहिए। विचार हुआ अथवा पर्व एक एक अनुपरमाणु हुआ दल भूत को लेकर, तो वो लोग बोलते हैं नहीं कुछ ऐसा कर सब चार भूत से ही मानते हैं। शंकर बोलते हैं देखो भाई ये तुम्हारा भूत जो है तुमको दिखाई नहीं पड़ता, भूत का कार्य दिखाई पड़ता, कैसे दिखाई पड़ता, सत्य रजत तुम गुण की मानते हैं, जिसके गुण कारण शंकरवादी बोलते हैं गुण कारण गुण की साम्य अवस्था जो है वो प्रलय अवस्था है, और जब विक्षेप होता है तब वहाँ की सृष्टि होती है। अब हम पूछेंगे भाई ये जो साम्य अवस्था से विक्षेप अवस्था में आने के लिए कोई निमित्त है कि नहीं है? यदि निमित्त हमेशा रहने वाले हैं तभी तो हमेशा साम्य अवस्था में रहेगा, तो हमेशा विक्षिप्त अवस्था में रहेगा। यदि इसको नियमन करने वाला कोई है तो वो जो है वो निमित्त को नियमन करने वाला एक व्यक्ति और चाहिए, उसको नहीं उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो अनावस्था दोष में पहुँचे, अनावस्था दोष में पहुँचे। इसीलिए जो है कि जो है अब तत्व प्राण को भी आप नहीं मान सकते, तब बोलेंगे तत्व शैवपंथी एक है, शैवपंथी तो वो लोग बोलते हैं कि पशु पाश और पशुपति, पशु पास और पशुपति ये तीन संसार में तत्व है, पशु मतलब जीव, जीव जगत और जगदीश, ये तीन संसार की तत्व है, जीव हो गया पशु और पास हो गया जगत माया और पशुपति इसको चलाने, ये तीन तत्व से संसार चलते हैं स्पष्ट। ये अलग अलग वादियों का ऐसा आनंद गिर जी को यहाँ पे भगवान भाष्यकर चतुष्टी लिखेंगे इसके मत में क्या कमी है, थोड़े छोटे में दिखा देंगे ये क्या कहना चाहता है। यहाँ पे एक बात ही बोलते हैं प्राण से उत्पत्ति होता है, एक बात ही बोलते हैं भूत से उत्पन्न होता है, एक बात ही बोलते हैं प्रकृति मूल से उत्पन्न होता है, एक बात ही बोलते हैं नहीं नहीं जो है ये जीव जगत और जगदीश्वर जो है यही मुख्य विषय तत्व है, ये तत्व तत्वानिति तत्व तीन तत्व से जगत सृष्टि होता है, ऐसा करके अलग अलग वादियों के मन को समझ रहे। एक हो गया प्राणविद, हो गया हिरण्यगर्भ को उपासक वाले, और तुम्हारा जो लोग मतलब क्या बोलेंगे एक बार ही जो कुछ होता है फल एक बार देने वाले होते हैं, ऐसे भूता ने भूत तत्व के चार बार पहले पूर्ववाद वाले, और गुण के जो शांक दर्शन वाले क्रिया के गुण के ऊपर आधार करके विचार करते हैं, और यहाँ पे जो है शैव मत वाले जो ये बोलते हैं पशु पाश और पशुपति के तीन को लेकर कोशिश होते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाष्य का टीका में आ जाइए, प्राण हिरण्यगर्भ ठीक है ना, तटस्थ ईश्वरूपा क्या हो गया, प्राण कौन हो गया हिरण्यगर्भ, अथवा तटस्थ ईश्वर मतलब तटस्थ मतलब अलग भिन्न, उपादान करण अलग निमित्त करण अलग ठीक है, तटस्थ मतलब अलग निमित्त करण से भिन्न। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्राण शब्द की तरह दोनों ले सकते हैं, हिरण्यगर्भ अथवा तटस्थ ईश्वर, तटस्थ का भिन्न निमित्त कारण है और अलग है, उपादान कारण से अलग है, तटस्थित तटस्थ एक जगह पे खड़े होकर तो दूसरी तरफ देखते हैं तटस्थ, इसलिए हमारे ब्रह्म का दो लक्षण है,
एक स्वरूप लक्ष्य है, तटस्थ लक्ष्य। तटस्थ लक्षण होता है जतवैमानी भूतानि जायन्ते, स्वरूप लक्षण हो गया सत्यम ज्ञानम आनंद। ये तटस्थम लक्षण तटस्थ के यहाँ पे अभिप्रेत अर्थ है अलग, मतलब जिस चीज को सृष्टि किया उससे अलग, उससे अलग। यानी कि तब क्या हो जाएगा, ईश्वर कोई चीज को बनाने के लिए किसी की अपेक्षा रखे, किसी की अपेक्षा। जैसे अब पढ़े होंगे छाने तो उतना याद नहीं आ रहा है कि बाइबल में भी ऐसा कहते हैं पहले एक पुरुष शरीर को बनाया, जब उसमें उनके पास जितना मटेरियल था सारा समाप्त हो गया, तब फिर सोचे कि तब पुरुष तो बनाया, स्त्री नहीं है तो कैसे बना पाएंगे, तो उसी उसी को किसी तरह से जो एक रेप निकाल करके एक जगह को करके बनाया ऐसा करके। तो यानी कि मटेरियल को मतलब उपादान कारण के ऊपर निर्भरित हो जाते हैं, उपादान कारण के ऊपर निर्भरित हो जाते हैं। तो इसका ईश्वर की स्वतंत्रता है, ये तटस्थ कारण बाद में सबसे बड़ी प्रश्न है। यही है ना, कुछ करना है उसके शरीर से एक हड्डी का टुकड़ा निकाल करके फिर उसको संग्रह करके एक स्त्री पिंड बना दिया था, मतलब उपादान उनके पास का समाप्त हो गया। ये जो है तो प्राण हिरण्यगर व तटस्थ ईश्वर व स जगत हेतु इति प्राणविदो हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भाद्या वैशाषिकादयश्च कल्पयन्ति। ठीक है ना, प्राण कौन हो गया, हिरण्य गर्भ कौन है, तटस्थ ईश्वर मतलब उपादान कारण से भिन्न निमित्त कारण। इस प्रकार मानते हैं स वो जगत हेतु, वही जगत का मूल कारण है, तो जगत का मूल इति प्राण विदह प्राण तत्व को उपासना करने वाले हिरण्य गर्भ अध्याय जैसे हिरण्य गर्भ आदि से लेकर के वैशाषिकादयश्च नए वैशाषिकाल भी तटस्थ ईश्वर मानते हैं। वो ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं तटस्थ भिन्न भिन्न उपकरण करना अनिमित्त करना कल्पयन्ति। क्योंकि उनके सिद्धांत के अनुसार जो आत्मा दो है, नए वैशेषिक सिद्धांत दो आत्मा है, जीवात्मा और परमात्मा, और फिर है जीवात्मा अनेक है परमात्मा एक, और उपादान तो अलग है पदार्थ अलग अलग विभिन्नता के माना अलग अलग। इस प्रकार से तटस्थ ईश्वर मानना होता है भिन्न माना है। तो प्राण हिरण्य गर्भ तटस्थ ईश्वर व स जगत हेतु, वही प्राणी जगत का हेतु है। इस प्रकार से प्राण विदो प्राण तालुक उपासक लोग ऐसे मानते हैं हिरण्य गर्भाद्या वैशाषिकादय हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भाद्य मतलब हिरण्य गर्भ के अनुसार हिरण्य गर्भ मैंने हिरण्य गर्भ के साथ संबंध रखने वाले उनके अनुयायी लोग, और वैशाषिकादयाश्च वैशेषिकादय मतलब वैशाषिक दर्शन का अनुयायी लोग, वो लोग ऐसे कल्पना करते हैं। मतलब चार नंबर टिप्पणी लिखो, चार नंबर टिप्पणी बोलते तटस्थ इति ताटस्थ्यम ईश्वर से जीव उपादान भिन्नतम निमित्त मात्रत्वम इति जान। ठीक है ना, ईश्वर के अंदर जो ताटस्थता रूपी धर्म है, ताटस्थम तटस्थ है ना, पहले तटस्थ उसके अद्वित हुआ ताटस्थ्य यन प्रत्यय अथवा क्षय प्रत्यय दोनों में शब्द का यह कार्य बचता है। देखो तटस्थ तटे स्थित इति तटस्थ, अब उससे संबंध रखने वाला ताटस्थ्य तद्धित हुआ तटे स्थित तटस्थ है ना, मतलब उदासीन रहना अलग रहना ही सब, और उसकी जो भाव उसको बोलते हैं ताटस्थ्य। इसलिए यहाँ पे क्षय प्रत्यय होकर के अथवा यन प्रत्यय भी हो सकते हैं, आदि अश को वृद्धि होकर देखो कि आकार जुड़ गया। ताटस्थ मतलब तटस्थता की जो भाव है ना, किसका ईश्वर ताटस्थम ईश्वर से, ईश्वर के अंदर जो तटस्थता की भाव रहता है वो क्या है, जीव उपादान भिन्नतम, जीव और जगत के जो जगत है ना उसका जो उपादान कारण है, जीव और जगत के लिए जो उपादान कारण है उससे भिन्न है ईश्वर। जीव उपादान भिन्नतम, जीव से उपादान भिन्न है, निमित्त मात्रत्व मतलब ईश्वर क्या हो जाएगा, कुम्हार की तरह केवल निमित्त कारण की तटस्थ का जो निमित्त मात्रत्व मित्र। वेदांतिक की मान्यता क्या है, जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है कौन, ईश्वर परमात्मा जगत का अभिन्न निमित्त है, ये बोलता है निमित्त केवल निमित्त कारण हो तो उपादान अलग है, उपादान अलग कि वो वैशेषिक तो मतलब परमाणु को जगत के उपादान मानते हैं, चार परमाणु वेदांतिक निमित्त उपादान अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा ईश्वर दोनों का, तभी तो कल्पित विवर्तवाद सिद्ध होगा। इसलिए बोलते हैं ताटस्थम ईश्वर से जीव उपादान भिन्नतम, जीव की जो उपादान कारण है उससे भिन्न हो जाएगा निमित्त मात्र मिति जाए, निमित्त मात्र है संसार। अच्छा फिर आगे बोलते तदितम कल्पना मात्र,
उन लोगों की ये सिद्धांत तो भी एक कल्पना मात्र है। क्यों? स्वतंत्रस्य हिरण्यगर्भस्य सर्व जगत हेतुत्वे मान अभावा, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से हिरण्यगर्भ जगत का कारण है इस विषय में प्रमाण नहीं मिलता। कहीं भी किसी श्रुति में हमको ऐसा नहीं मिला हिरण्यगर्भ एव अग्रे आसीत, ऐसा नहीं मिला। सदैव संवेदम अग्रे आसीत, ब्रह्म वेदम अग्रे आसीत, आत्म वेदम अग्रे आसीत, पुरुष वेदम अग्रे आसीत, इस प्रकार से जो बोला जाता है वो हिरण्यगर्भ को लेकर के नहीं, मतलब निर्विशेष तत्व को लेकर के। शब्द तो ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं परंतु निर्विशेष उसके द्वारा लक्षित होता है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं स्वतंत्र से हिरण्य गर्भस्य, स्वतंत्र जो हिरण्य गर्भ है उसका जगत हेतु के वो समस्त सृष्टि के लिए हेतु है इस विषय में मान अभावात कोई प्रमाण से ही सिद्ध नहीं होता, कोई प्रमाण से नहीं प्राप्त होता। और इस विषय में प्रमाण एकमात्र तो वेद ही है ना, अलौकिक विषय में क्या उपनिषद में हिरण्य गर्भ का नाम आता है, क्यों नहीं आते हैं, उसको क्या मानते हैं वो? ईश्वर जब ईश्वर की कल्पना के समय जब मन में बीज रूप में था, बीज से जब अंकुर अवस्था में आया, बीज हो गया ईश्वर और अंकुर अवस्था में आएगा वो हो गया हिरण्य गर्भ, कार्य ब्रह्म बोलते हैं उसको, कार्य ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, हिरण्य गर्भ। इसमें क्या होता है, तन्मात्रा की कल्पना करने के बाद समष्टि तन्मात्रा से समष्टि इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति को लेकर के जो कल्पना होती है उसको हिरण्य गर्भ, उसी के अंदर फिर जो परमात्मा क्या करते हैं उनको, फिर जो है उनको सृष्टि के जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम जो वही वेदस्य प्रहिणोति तस्मै, उस परमात्मा ने उनके अंदर सृष्टि करने के ज्ञान को भर दिया। भिन्न तो कोई है नहीं, अलग नहीं है, उसका अंदर पहले सृष्टि आ जाता है। पूर्व कल्पन उपासना उनका इतना तक रहा था अनशुद्ध, नहीं नहीं ईश्वर संकल्प से पहले तन्मात्रा भौतिक वस्तु में पंच भूत क्या हिरण्य गर्भ क्या मानते हैं, समस्त सूक्ष्म शरीर मानते हैं, ठीक है, सूक्ष्म शरीर के उपादान क्या है, तन्मात्रा, इस तन्मात्रा के हिरण्य गर्भ मतलब आपने कल्पना करके गुण गुणी को नहीं जान सकते, पहले तन्मात्रा की, हाँ, ईश्वर की कल्पना से तस्मात् वै तस्मादात्मना आकाश संभूत, पहले तन्मात्रा की सृष्टि, उसके बाद तन्मात्रा के बाद जब तन्मात्रा को अपंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभूत के समष्टि सूक्ष्म अंश से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, ज्ञानेन्द्रियों में निश्चय का जो अंतक कर है ना, तो इसलिए हिरण्यगर्भूत हिरण्यगर्भ क्या कहते हैं, भौतिक सृष्टि को करते हैं, भूत से बना हुआ जो वस्तु पंचीकरण पंचीकरण होने के बाद पंचीकृत होने के बाद पंच महाभूत से जो सृष्टि बनते हैं उसको महाभूत की सृष्टि में, ठीक है, तो स्वतंत्र हिरण्य गर्भस्य सर्व जगत हेतु मान अभाव और क्या देखिए पौरुष, आप बोले नहीं नहीं ये तो हमारे पुराणों में ऐसा मिलता है कार्य ब्रह्म से उत्पन्न होता है, परंतु पौरुष ग्रंथ अश्रुति अपौरुष ऐसे बोलते हैं पौरुष आगमस्य अपौरुषेय स्थिति विरोधे स्वार्थे मानत्व अजोगा, क्योंकि हिरण्य गर्भ का अनुसरण करने वाले हिरण्य गर्भ उपासक लोग वो पौरुष पुरुष होगा कुछ ऋषि लोग होंगे, तो उसके द्वारा प्रणीत ग्रंथ और अपौरुषेय वेद के द्वारा जो कहा गया इन दोनों में विरोध होने पर अपौरुषेय वेद की प्रामाणिकता की मान्यता दी जाती है, इसलिए हमें बोलते हैं पौरुषेय आगमस्य पुरुष प्रणीत किसी आपका आगम का और अपौरुष स्तुति विरुद्ध अपौरुष स्तुति के साथ विरोध होने पर स्वार्थे मानत तो अजोगा, जो अपने जो स्व अर्थ जिस विषय को प्रतिपादन करना चाहता है उस विषय में प्रमाण की अभाव युक्तिहीनता होने के कारण तटस्थ ईश्वरवाद सच, इसलिए क्या हो जाएगा जो तटस्थ ईश्वरवाद है ये भी जो लोग इसको अलग करके मानते हैं ना कि ईश्वर जगत के केवल मात्र निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं है, इस सिद्धांत भी प्रमाण युक्ति विहीन वो प्रमाण से भी रहित है और युक्ति से भी रहित है। युक्ति क्यों बोला, हमें तो दिखाई पड़ता है कि कुम्हार जो मिट्टी से बनाते हैं, बोलते तब कुम्हार की परतंत्रता हो गई, जब आप ईश्वर को आप अपरतंत्र मानते हैं ईश्वर की मर्यादा को रक्षा करने के लिए यदि वो किसी के ऊपर निर्भर करके कोई चीज़ बनाता है तो क्या हो जाएगा पर निर्भर हो, ये युक्ति भी होती है, ये युक्ति ईश्वर में पर निर्भरता नहीं है, इसलिए मैं बोलता वेदांती ईश्वर तक मिथ्या मानने पर भी परंतु ईश्वर की मर्यादा को जैसे रक्षा किया वेदांती उन्हें भक्तों ने इतना नहीं किया,
इसलिए विभक्त है कि पौरुष आगमस्य अपौरुष श्रुति विरोधे स्वार्थे मानत्व अजोगा। पौरुष आगम के साथ अपौरुष श्रुति में विरोध, जितना स्मृति ग्रंथ है, जितना स्मृति ग्रंथ है, यज्ञवल्क्य स्मृति, स्मरण स्मृति, जो भी स्मृति है, वो किसी जगह पर स्मृति के साथ यदि श्रुति का विरोध हो तो श्रुति बलवान माना जाए। इसलिए बोलते हैं अपौरुष श्रुति विरोधे स्वार्थे मानत्व, इसलिए जिस विषय को प्रतिपादन करना चाहते हैं उस विषय में प्रामाणिकता के अभाव होने के कारण एक और तटस्थ ईश्वरवाद सच अधिष्ठर, मतलब केवल मात्र निमित्त कारण है इस सिद्धांत को भी प्रमाण युक्ति विहीन से, जो प्रमाण युक्ति से रहित है उसका प्रतिपत्ति अशक्यता, इसका बोध होना संभव नहीं होने के कारण ये सिद्धांत युक्ति संगत नहीं है। कौन सा सिद्धांत? प्राण हिरण्यगर्भ ही सृष्टि का आदि तत्व है। हम तो उपनिषद में देखते हैं हिरण्यगर्भ मतलब प्राण तक पहुँचने के बाद क्या करते हैं नारद ऋषि को, फिर जो भूमा तक ले जाते हैं, मतलब वहाँ यदि अंतिम तत्व होते तो वहीं पे छोड़ देते, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखिए पाँच और छः नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है ना, पौरुष आगम से ननु हिरण्यगर्भ उपासक प्रणीत आगमान एवं तस् तथा ते मानत्वमिति आशंका वारयती। हिरण्यगर्भ उपासक लोग, प्राण उपासक लोग क्या बोलते हैं, उन लोगों ने जिस ग्रंथ को प्रणीत किया उस ग्रंथ से ये पता लगता है कि प्राण सृष्टि का आदि तत्व है। हिरण्यगर्भ उपासक लोग, हिरण्यगर्भ को मत पूजा करने वाले लोग हिरण्यगर्भ सृष्टि के आदि तत्व ऐसा करके कहते हैं, तो उसी के आधार पर, उसी प्रमाण के आधार पर हम कह रहे हैं कि प्राण इति प्राणविद, प्राण तत्व को जानने वाले होते हैं। प्राण उपासना करने वाले कई लोग हैं, कई लोग हैं। हम वेदांत में भी प्राण उपासना आया हुआ, परंतु प्राण उपासना के द्वारा ये सृष्टि का आदि तत्व है ये नहीं है, ये नहीं मानते हैं वो। अब क्या बोलते हैं कि सृष्टि के आगे स्थूल सृष्टि के लिए हिरण्यगर्भ का अपना है, कार्य ब्रह्म है। प्राण उपासना तो उपनिषद में आया हुआ है, परंतु उपनिषद में जो प्राण उपासना है, प्राण को ज्येष्ठ भी बोला, श्रेष्ठ भी बोला, परंतु ये तस्मा जायते प्राण पहला पुत्र है परमात्मा का, इसमें समय शंका नहीं है, इसमें ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है, अपना कोई विषय नहीं है, परंतु फिर भी उसकी उत्पत्ति सुनाई देती है, इसलिए वो सृष्टि का आदि तत्व नहीं हो सकता, उसके पीछे उत्पत्ति करने वाला कोई तत्व है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ननु शंका कर के रूप में बोल रहे हैं, हिरण्यगर्भ उपासक प्रणीत आगम मानम, हिरण्यगर्भ उपासक के द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ है वही प्रमाण होगा। तस् तथा मतलब हिरण्यगर्भ, तस् मतलब हिरण्यगर्भ, तथा मतलब जगत आदि तत्व, जगत का आदि तत्व के रूप में मानत्व प्रमाण होगा। यदि आशंका बारे की शंका को निराकरण कर रहे हैं कौन, आनंद गिरी जी ने क्या करके कि पौरुषेय आगमस्य अपौरुषेय स्तुति विरोधे स्वार्थे मानत्व अयोगा, ठीक है ना। पौरुषेय आगम के साथ अपौरुषेय वेद का यदि कोई विरोध होता है तो पौरुषेय आगम जिस विषय को सिद्ध करना चाहता है वो सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि पांच नंबर टिप्पणी थे बारह यदि पौरुषेय इत्यादि ना, और छः नंबर मतलब क्या बोला वहाँ पे कि ईश्वर जो है तटस्थ कारण है, मतलब जीव से भिन्न है, उपादान अलग है। इस प्रकार से यदि कोई वादी कहते हैं तो इस विषय में प्रमाण अभाव, प्रमाण अभाव देखो टिप्पणी कर बोलते हैं क्षेत्र क्रमचापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभागत, यानी कि जो है मैं उसी के अंदर ही बैठा हुआ हूँ, तत्सृष्ट तदेव प्रविश श्रुति वाक्य, यानी कि ईश्वर ही वहाँ पे जो है अभिन्न रूप में दिखाया जा रहा है। इत्यादि तात्पर्यवत वेदांत अनुरोधी न, इस प्रकार तात्पर्य वाला वेदांत वाक्य के अनुरोध से, फिर देखो आज भगवत गीता और भी बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम इत्यादि वत्सा कल्पित भेद विषयता, उस प्रकार यदि आप बोलेंगे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यदि आप ऐसा बोलेंगे यानी कि हृदय हो गया, रहने की जगह रहने वाला व्यक्ति हो गया ईश्वर, ठीक है ना, तो भिन्नता हो गया। तो बोलते वहाँ पे जो कल्पित भेद अंतर्जामी रूप में कहा गया है वहाँ पर अंतर्जामी रूप में, इसलिए बोलते ईश्वर सर्वभूतना इत्यादि वत्सा वत्सा कल्पित भेद विषय, कल्पित भेद को लेकर के ऐसा कहा जाता है। आत्मभिन्नत्वेन जड़त्व भिया भेद साधक युक्तिश्च अनुदयात इति दिक्। अब क्या हो जाएगा यदि आत्मा से आत्मभिन्नत्वेन आत्मा से ईश्वर भिन्न होगा, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा जड़त्व भिया, तब तो ईश्वर क्या हो जाएगा आत्मा जड़ हो जाएगा,
इसलिए ईश्वर को अंदर बैठा दिया। इस प्रकार बोलता है भेद साधन को युक्ति सर्वदा, इसलिए भेद साधन की युक्ति वहाँ को उत्पन्न नहीं होता, ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए। यदि ईश्वर अद्वीप से भिन्न हो जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, जीव हमेशा जड़ रूप में दिखाई देगा, जड़ रूप में दिखाई देगा, स्वरूप भूत होकर के विद्यमान है। इसलिए हमारा चेतन होता है कि कभी भी, और यदि आप बोलेंगे जिस समय मैं समझता हूँ उस समय चेतन हूँ, नहीं समझता उस समय मैं चेतन नहीं हूँ, आप समझो चाहे ना समझो, आपकी चेतन होता है कि कभी भी आपका नहीं दृष्टि दृष्टि भी कोई लोग विद्यता बिना चेतव सुषुप्त अवस्था में भी आप चेतन आप उस चेतन की चेतनता बनी रहती है, तभी तो उठ करके हम बोलते हैं हमने अनुभव किया। इसलिए यहाँ पे जो छह नंबर प्रमाण और युक्ति विहीन प्रतिबद्ध महाशक्त प्रमाण और युक्ति रहित वाक्यों को बोध करना संभव नहीं होने के कारण इति अर्थ हो गया पहला। मतलब जो लोग हिरण्यगर्भ का प्राण को सृष्टि के आदि तत्व मानते हैं उनके सिद्धांत से होना सही नहीं है कि वो शास्त्र और युक्ति के विरोध है, शास्त्र और युक्ति के विरोध है। फिर जो है कल्पनांतरम दर्शयति, दुष्ट कल्पना को दिखाते हैं। दुष्ट कल्पना क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हिरण्यगर्भ जगत का आदि तत्व नहीं है, हमें क्या दिखाई पड़ता है सामने, भूत पंच महाभूत, पंच महाभूत जगत का आदि तत्व, ये पंच महाभूत है भूतानि इति तद्विदो, भूत को उपासक लोग क्या कहते हैं कि जो पंच महाभूत जगत का आदि तत्व है, चार भाग मुख्य रूप से चार भाग लोग इसे आजकल चार भाग बाद ही अधिकतर है चार भूत मानते हैं, आकाश को नहीं मानते, इसलिए बोलते हैं पृथ्वी अब तेज अब तेज वायव तत्तानी तानी चत्वारी भूतानी जगत कारणानि लोकायति का तदपि कल्पना मात्र है ना। पृथ्वी जल तेज और वायु यही जो मुख्य तत्व है जो हमें सामने दिखाई पड़ते हैं है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं ये चार भूति जगत का कारण है। इति लोकायति के इस प्रकार लोक आश्रय में व्यवहार को अप्रत्यक्ष प्रमाण कोई केवल मात्रा न कोई प्रमाण को मानते ही नहीं है, ये लोकायति का चार वाक लोग ऐसा कहते हैं। तथा कल्पना मात्र भी सिद्धांत भी कल्पना मात्र क्यों, अब बताओ ये भूत जगत के कारण है ये कौन सा, भूत अपने आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, भूत यानी कि जड़ है कि चेतन है, जड़ है। तो भरत यहाँ पे बोलता है नहीं भूतानी सत सिद्धानी जड़त्व विरोधा, ठीक है ना, भूत तो अपने आप सिद्ध नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि जड़ व्यक्ति अपने आप को सिद्ध है, जड़ और चेतन में भिन्नता इतना ही मात्र है। क्या भिन्नता है, जड़ ये नहीं कह सकता कि देखो मैं टेबिल हूँ मैं चेयर हूँ, परंतु हम बोलते हैं कि देखो मैं ये हूँ, भूल गलत बोले चाहे सही बोले, परंतु चेतना तक अभी तक उदा अपने अंदर से होती है, इसे यहाँ पे बोलते हैं। तो पृथ्वी भूचत्वरी भूतानी जगत कारणानी इति लोकायति का तद्विद कल्पना कल्पना मात्र, वो भी तद भी कल्पना मात्र, वो भी कल्पना मात्र क्यों, क्योंकि ही मतलब क्योंकि भूतानी स्वतः सिद्धानी न भूतानी स्वतः सिद्धानी, भूत अपने आप स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता, क्यों, जड़त्व विरोधा, जड़ का लक्षण यही है तो अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता, किसी के द्वारा सिद्ध होता है ना, चेतन अपने आप को सिद्ध ना भी परत सिद्धानी, दूसरे से भी सिद्ध नहीं होता। अब उसके लिए परत सिद्धानी के साथ नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं, स्वकीय गुणभूत चैतन्य द्वितीय अर्थ, स्वकीय गुणभूत चैतन्यादित्य दुष्कर परत। अब देखिए आपको चेतन तत्व ने उसको जाना और उसका एक गुण और एक गुणी, गुण और गुणी है ना, गुण बाद में रहता है और गुणी पहले से रहता है, इसलिए गुण कभी भी गुणी को सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले वो है, गुणी पहले है गुण बाद में है, इसलिए बाद वाला अपने पहले वाले को सिद्ध नहीं कर सकता, परंतु गुणी जो पहले है पहले से जो विद्यमान है वो दूसरे को सिद्ध अपने बार बार को सिद्ध कर सकता है। अब परत सिद्ध के रूप में बात क्या है कि जो आप इंद्रियों बनने के बाद आप भूत दिखाई पड़ता है, इंद्रियों बनने के बाद आपको भूत दिखाई पड़ती है, तो फर्क तो जो है आप इंद्रिय बना नहीं तो भूत सिद्ध होगा कैसे, दूसरे से भी सिद्ध नहीं होते, तो बोलते हैं यहाँ पे उनका जो अभिप्राय है परत यदि स्वकीय गुणभूत चैतन्य, अपने जो गुण गौण रूप में जो स्वकीय गुणभूत मतलब अपने में जो गौण रूप में दिखाई पड़ता है, किसका भूत में चेतनता दिखाई पड़ता है, हाँ शरीर में पंचभूत शरीर में चेतनता प्रतीति होती है,
अब परंतु चेतना तो पारमार्थिक भूत का नहीं है, वो आत्मा का ही है, परंतु हम यहाँ पे मानते हैं। तो अब ये जो अब जब तक हमके ये बोध में नहीं है कि ये भूत हम मतलब हमसे बने हुए हमारे ऊपर कल्पित है, और इसीलिए भूत जो है मतलब अपने आप को भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं, और उसके अंदर विद्यमान जो चैतन्य आपको बोले आप अपने इंद्रियों को सिद्ध करके दिखाओ, इंद्रियों को सिद्ध करके दिखाओ, आप कैसे दिखा सकते हैं? हाँ इतना ही कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए इंद्रिय ने मुझे दिखाई, दर्शन इंद्रिय है। इस प्रकार से दर्शन इंद्रियों को भूत के कार्य को दिखा सकते हैं, भूत को नहीं दिखा सकते, भूत के कार्य को दिखा सकते हैं, भूत को नहीं दिखा सकते, मतलब तन्मात्र रूप में जब विद्यमान। इसी तरह बोलते हैं ना पर शब्द सिद्ध, जिसको आप जगत के कारण के रूप में मान रहे हो तन्मात्र को, तन्मात्र अपने आप भी सिद्ध नहीं होता, पर सिद्ध भी नहीं, पर सिद्ध नहीं होता, हाँ भूत बनने के बाद उसको आप देखते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं परत इति स्वकीय गुणभूत चैतन्यादिति अर्थ स्वगुणस्य। देखिए अपने आप स्वगुणस्य चैतन्यस्य स्वग्राहकत्व अयोगा भी आपने समझा रहे हैं। आप भूत यदि अपने आप अपने को प्रकाश करेगा कि वो उसका ये गुण कौन है, चेतनता जड़ में क्या है, चेतनता रूपी धर्म है। स्वगुणस्य चैतन्यस्य अपने अंदर गुण क्या विद्यमान है, चेतनता। स्वग्राहकत्व अयोगा वो जिसकी चेतनता है, अपने आप अपने को कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, अपने आप कोई व्यक्ति अपने को ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है ना, तब तो कर्म करती दोष हो जाता है ना। इसलिए हमें बोलते हैं स्वगुणस्य चैतन्यस्य अपने अंदर विद्यमान चेतनता है, स्वग्राहकत्व चेतन अपने आप अपने को ग्रहण करेगा ये भी नहीं होता है ना, चेतन अपने आप अपने को ग्रहण नहीं कर सकता, चेतन विषय रूप में कभी सामने नहीं आता। इसीलिए एक मिसकंसेप्ट हमारा है कि आत्मतत्व से बोध में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये जो है ये नहीं आना ही यथार्थ ज्ञान है। आ जाए तो यथार्थ ज्ञान नहीं है, तब कार्य ब्रह्म को जाना, तब कार्य इसलिए बोलते हैं स्वगुणस्य चैतन्यस्य अपने अंदर विद्यमान चेतना में जो गुण है, स्वग्राहकत्व अजोगा चेतनता अपने आप नहीं कह सकता कि मैं चेतन, भूत भी नहीं कह सकता कि मैं अपने आप में चेतन अजोगा। क्यों? देखो जैसे बन्नीगत औष्णस्य अब आँख में रहने वाला जो उष्णता, आँख में रहने वाला जो उष्णता, वो उष्णता आँख को नहीं जला सकता, मतलब आँख के विषय नहीं कर सकता, इसलिए होता है वन्य विषयत्व दर्शना, वो वन्य को विषय कर दे ऐसा नहीं हुआ। आँख में रहने वाला गुण क्या है, उष्णता, और वो उष्णता वन्य को विषय कर वन्य को जला दे ये होना संभव नहीं है। हमारे रहने वाला चेतन, भूत में रहने वाला चेतन, वो चेतन को विषय कर ये होना संभव नहीं है, इसलिए शतपर रूप से सिद्ध नहीं सकता। स्वगुण चैतन्य स्वग्राहकत्व अजोगात वन्यगत औष्णस्य आग में रहने वाले विद्यमान उष्णता वन्य विषयत्व दर्शना, तो वन्य को विषय करके वन्य को जला दिया वो नहीं दिखाई देता, वन्य आग को जला देगा, परंतु वन्य बंदी को जला देगा ये नहीं हो सकता। मतलब अपने आप अपने को कोई भी नहीं विषय कर सकता। भगवान भाष्कर एक जगह में कितना भी एक एक्सपर्ट डांसर हो, उसको अगर कहा जाए कि तुम अपने कंधे के ऊपर चढ़ के नच के दिखाओ, नहीं नचते हैं। ऐसे को यहाँ पे मन में रखते हैं, बोलते हैं कि स्वगुणस्य चैतन्य आठ नंबर टिप्पणी, चैतन्य से भूतानाम चैतन्य विशिष्टत्व, भूत क्या होता है, चैतन्य के द्वारा विशेष मनुष्य के अंदर रहने वाले गुण, ठीक है ना, भूतों में रहने वाले गुण क्या दिखाई पड़ता है, चैतन्यता। तो भूतानाम चैतन्य विशिष्टत्वेन चैतन्य ग्राह्यत्व, यदि वो भूत चेतन का ग्राह्यत्व वहाँ पे आ जाएगा, विशिष्ट वृत्ति धर्मस्य विशेषण वृत्तित्व नियमात चैतन्यस्य अपि चैतन्य ग्राह्यत्वम् आयात तन्न युज्यते इति अर्थ। विशिष्ट वृत्ति धर्मस्य, किसी के अंदर कोई विशेष गुण है, ये जिसका धर्म हो गया, वो विशेषण वृत्तित्व नियमा, उस विशेषण के द्वारा उसका नियमन होता है, ये नियमन के कारण चैतन्यस्य अपि चैतन्य ग्राह्यत्वम्, यदि चेतनता चेतना को विषय रूप में ग्रहण कर जाएगा, यदि आयातम प्राप्त होता है, तन्न युज्यते, भूत में चेतनता आपको दिखाई दे रहा है, चेतन चेतन अपने आप को ग्रहण करेगा, यदि आप ये कहोगे तो ये होना संभव नहीं, तन्न युज्यते, ठीक है ना। भूतानाम चैतन्य विशिष्टत्वेन, जो भूत, देखो एक जो है भूत है और वो जो है चेतनता के द्वारा विशिष्ट हो, चेतनता उसका गुण हो और भूत हो गया, मान लीजिए आप उनके सिद्धांत को, चेतनता हो गया गुण और भूत हो गया गुण, जिसके अंदर गुण रहता है चेतनता रहता है, इसलिए भूतानाम चैतन्य विशिष्टत्वेन चैतन्य ग्राह्यता, भूत यदि है क्या होगा,
कि चेतनता की ग्राहकता हो जाएगा कि वो उसका मूल रूप में बैठा हुआ है। तब विशिष्ट वृत्ति परमंत्र विशिष्ट गुण के द्वारा कोई व्यक्ति मतलब धर्मी को दिखाई दे रहा है, विशेषण वृत्तित्व नियम तो उसका विशेषण हो जाने के कारण चैतन्य सभी चैतन्य ग्राह्यतम आता क्या हो जाएगा, चेतनता ही चेतनता को समझ रहा है ये प्राप्त होगा। ठीक है ना, परंतु ये कहना युक्ति संगत नहीं, कोई व्यक्ति अपने आप अपने को विषय रूप में नहीं जान सकता, ये विपरीत अर्थ स्वस्व स्वग्राह्य तन्हादो अदर्शनादि भाव। जिस प्रकार अपने आप अपने को ग्रहण करना अथवा जला देना मन्य आदि में ये नहीं दिखाई देता है, स्वस्व अपने का स्वग्राह्य तत्व अपने को विषय रूप में ग्रहण करना अपने को विषय बना देना, वन्यादो वन्य आदि में जल को कहो कि तुम जो है किसी दूसरे को शीतल करो वो तो ठीक है, परंतु अपने आप को ग्रहण करेगा ये नहीं हो सकता। इस प्रकार वन्य अपने को नहीं जला सकता, जल अपने को शुद्ध नहीं कर सकता, स्वस्व स्वग्राह्य तस्व वर्ण आदो अदर्शना की भाव ये संदर्भ भाव फल क्या हो गया, भूत जगत की आदि तत्व है ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, और मेरे सबसे पीछे हम वेदांत योग का मुख्य जो सिद्धांत है बोलो, जान करके बोल रहे हो कि बिना जान करके बोल रहे हो, तब यदि जान करके बोलते हो इसका मतलब क्या है, जानने वाला पीछे कोई है, इस पक्ष में भी वेदांत पक्ष में आ जाओगे, और यदि नहीं जान के बोलते हो तो सृष्टि के पीछे कारण कह जाएगा, अज्ञान सृष्टि के पीछे कारण, परंतु विषय अपने आप अपने को विषय रूप में ग्रहण करके होना संभव नहीं है। इस प्रकार हम बोलते हैं यहाँ पे कि स्वगुणस्य चैतन्यस्य स्वग्राह्यत्व अजोगात वन्यगत औष्णस्य वन्य विषयत्व अदर्शना, अत भूतानि जगत कर्तिनि इति कल्पना एव इति अर्थ। इसके जो लोग ऐसा मानते हैं क्या भूत ही जगत के मूल कारण है, जगत बनाने वाला है, ये कल्पना पर युक्ति संगत नहीं है। अब तो भूतानि जगत कर्तिनि, अब कहीं भी नहीं दिखाई दिया, कोई व्यक्ति कहते हैं ऐसा देखो क्या कई चीज को मिला दो एक नया गुण आ जाता है, चारवाकी कहता है क्या कहता है कि पान कत्था चूना सुपारी मिला करके रस दो मुँह में डाल दो तो लालिमा आ जाता है, किसी प्रकार दो भूतों को मिला दो उसमें चैतन्य उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा उनके सिद्धांत है। यानी कि चैतन्य जो है उत्पत्ति विनाशील एक धर्म हो, अब ये भी हमारा सिद्धांत नहीं उसका अंदर है, इसलिए शास्त्र ऐसे नहीं दिखाए, इसलिए अत भूतानि जगत कर्तिनि, इसलिए भूत जगत का कर्ता है ये भी कल्पना कल्पना ही है, ये सत्य नहीं हो सकता। ये देखिए नौ नंबर टिप्पणी के लिए अतः स्वतः परतो वा असिद्धत्वा तादृशस्य च कारणत्व अदर्शनादि इति अर्थ। जो अपने आप भी सिद्ध नहीं होता दूसरे से भी सिद्ध नहीं, वेदांत क्यों भूत ये बोलने के भूत सिद्ध नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ पर सृष्टि हुई ही नहीं, इसलिए पारमार्थिक भूत भी सृष्टि नहीं होता, इसलिए स्वतः परतो वा असिद्धत्व अपने आप अथवा दूसरे के द्वारा सिद्ध नहीं होने के कारण तादृशस्य च कारणत्व, इस प्रकार वस्तु का में कोई कारणता रूप धर्म कहीं भी नहीं दिखाई देता, जो वस्तु सिद्ध ही नहीं है वो किसी का कारण बन जाए होना संभव नहीं है। तादृशस्य च इस प्रकार की वस्तु का कारणत्व दर्शन कारणता रूप धर्म नहीं दिखाई देते, इस कारण से अर्थ इसका विपरीत है, इसलिए अतः भूतानि जगत कर्तिनि कल्पना एव इति। अच्छा जब भूत भी गया प्राण भी गया भूत भी गया लेकिन अब क्या आएगा मूल प्रकृति शांख होता है ना, चाहे पहले न्याय वैशेषिक एक सिद्धांत गया फिर चार्वाक सिद्धांत गया अब जो है शांख दर्शन न्याय शांख और योग दर्शन की सृष्टि की प्रकृति उसको लेकर गुणा इति गुणविद उसको सत्य रज तमांशी त्रय गुणा साम्येन अवस्थित जगतो महदादि लक्षणस्य कारणम् इति सांख्यः तदपि कल्पना मात्रम्। ठीक है ना, सांख्यवादी क्या बोलता है सत्य रज तम इस तीन गुण का साम्य अवस्था को प्रधान बोलता है, और ये साम्य अवस्था में प्रलय होता है और विक्षिप्त अवस्था में सृष्टि होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं कि सत्य रज तमांशी त्रय गुणा साम्येन अवस्थित और साम्य भाव में रह करके जगत जगत का महत जगत कहाँ से शुरू होता है महत तत्व अहम तत्व पंच तन्मात्र शुद्धम जगत महत आदि लक्षणस्य कारणम उसका कारण बनते हैं इति। इस प्रकार सांखा सांख को शंख दर्शन को अनुसरण करने वाले सांखा तदपि कल्पना मत उनका ये सिद्धांत भी कल्पना ही है। क्यों अब उसमें होता है यदि आप ये कारण आपका ये हमेशा साम्य अवस्था में रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं रहेगा, तो यदि शाम यदि कहते तो नहीं साम्य अवस्था में रहेगा तो हमेशा प्रलय होगा सृष्टि होना संभव। अच्छा तो ठीक है तो साम्य अवस्था में नहीं रहेगा तो इसमें विक्षेप होगा, तो विक्षेप होगा कैसे
इसलिए हम बोलते हैं साम्य न स्थितानाम कारणते, यदि साम्य में स्थित वस्तु यदि कारण हो जाए प्रलय अभाव प्रसंग, क्योंकि वो तो प्रलय स्थिति है तुम्हारा, और यदि वो उत्पत्ति वाला स्थिति मनोगे तो प्रलय के अभाव हो जाएगा। साम्य में स्थित रहने से वो प्रलय काल, प्रलय काल में ऐसा मानते, यदि वो उत्पत्ति के लिए हेतु हो जाएगा तब क्या होगा प्रलय का अभाव हो जाएगा, तो प्रलय होगा नहीं। इसलिए बोलते हैं साम्य न स्थितानाम कारणते प्रलय अभाव प्रसंग। अब बोलते हैं वैषम्य भजनस्य च निहेतु करते सदा तद आपतन। अब उसमें जो विषमता आता है, ठीक है ना, किसमें, गुणों में, गुणों में विषमता लाने के लिए कोई कारण है अथवा नहीं है, तो बोलते नहीं अपने आप ही ऐसा विषम होता है, तब अपने आप ही हमेशा सृष्टि होता रहेगा, प्रलय कभी। इसलिए बोलते हैं वैषम्य भजनस्य च, जो विषमता, विषमता की भाव को जो प्राप्त करते हैं निहेतु करते, यदि वो बिना किसी कारण से हो जाएगा तो सदा तदापत, हमेशा ऐसे ही होता रहेगा, हमेशा ही ऐसा होता रहेगा, सृष्टि होता रहेगा, प्रलय नहीं हो पाएगा। सहेतु करते, ये ठीक है किसी कारण से होता है, यदि आप बोलते हैं तो हेतु और नित्यत्व, यदि आप कहते हो कि वो हेतु हमेशा रहेगा तब क्या हो जाएगा, यदि हेतु हमेशा रहता मतलब मान लीजिए आपने जल में आपने वाटर हीटर को हमेशा दो बार स्विच ऑन करके रख दिया तो जल हमेशा ही गर्म रहेगा, ये किसी निमित्त से किसी प्रकार से त्रिगुणात्मिक प्रकृति में विक्षेप लाने के लिए यदि कोई एक निमित्त को आपने माना और वो निमित्त यदि नित्य है तो क्या हो जाएगा हमेशा स्थिति हो, यदि अपने आप होता है तो भी वही, और यदि निमित्त नित्य है तो भी वही स्थिति है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सही दुकत्ते तयोर नित्यत्ते प्राचीन दोष अनुसंगा, जो पहले दोष देकर गया वो दोष यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। और यदि बोलते अनित्य है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, अनित्य हेतु अंतर अपेक्षा अंतर, उसका कौन नियंत्रण करेगा कब रहेगा कब नहीं रहेगा, उसका नियामक कौन होगा, ठीक है ना, तो वहाँ भी किसी को आपको जाना पड़ेगा। पुरुष को नहीं लाते हैं किसको, पुरुष को तो कारण नहीं मानते हैं ना, प्रकृति के कारण मानते हैं पुरुष तो असंभव सर्वथा। अनित्य हेतु अंतर अपेक्षा या अनित्य होने पर वहाँ पर कोई दूसरा हेतु की अपेक्षा नहीं करा, अनवस्था ना उसको कौन कंट्रोल करेगा। इसीलिए अब यद्यपि योग दर्शन आकर के सांख्यवादियों के इस सिद्धांत को थोड़ा सा मतलब संभाल दिया ईश्वर इच्छा से, हम उसको सांख्यवाद केवल गुण से जो मानने वाले हैं वो तो जो है मतलब प्रामाणिक नहीं है। इसीलिए बोलते हैं प्राचीन दोष अनुसंगत अनित्य हेतु अपेक्षा अनवस्था ना, फिर अनवस्था दोष आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब ए को संभालने के लिए ए को कंट्रोल करने के लिए बी चाहिए, तो बी को कौन कंट्रोल करेगा, तो सी चाहिए, इस प्रकार सी को कौन कंट्रोल करेगा, सी चाहिए, इसी ये अनवस्था दोष आ जाता है, अनवस्था मूल उच्छेद का सिद्धांत सिद्ध नहीं हो पाता है। अवस्थान इति आह इसी को मन में रखते बोलते हैं गुणा इति गुण विदह, ठीक है ना, गुणा इति गुण विदह। अब तीसरा हो गया, अब चौथा, चौथा पाशुपत मन, वो लोग बोलते हैं कल्पनांतरम आह, एक चौथा कल्पना सृष्टि के लिए बोलते हैं, इसको लेकर के भी ब्रह्म सूत्र में आया हूँ तत्वानी तत्विदह, वो लोग तीन तत्व मानते, देखो आत्मा अविद्या शिव इति संक्षेपतः त्रीणी तत्वानी सर्व जगत प्रवर्तकानी इति शैव मन्यन्ते तदपि कल्पना मात्रम। मिला ना, आत्मा अविद्या और शिव, आत्मा हो गया पशु और अविद्या हो गया पाश और शिव हो गया पशुपति, पशु पाश और पशुपति, है ना, पशु पाश और पशुपति, ये तीन तत्व है जगत में, ये आत्मा अविद्या और शिव ये तीन संक्षेपत, तीन क्वालिटी, तीन क्वालिटी में भाग में विभक्ति, थ्री टाइप्स इसमें विभाजन कर दिए संक्षेपत, ये तीन प्रकार के वस्तु होते हैं, त्रिणी तत्वानी, जीव दिखाई पड़ता है, जीव जगत और जगदीश्वर, जगत मतलब माया के द्वारा अर्पित पाश, वही हमारे लिए जगत, हमारा बंधन के हेतु होते हैं, इसलिए जीव जगत और जगदीश्वर पशु पाश और पशुपति, उसी के यहाँ पे बोला आत्मा अविद्या और शिव, ये तीन शब्दों के द्वारा यही जगत का मूल तत्व है। संक्षेप तत्तानी तत्न सर्व जगत प्रवर्तक, समस्त जगत को सृष्टि के लिए प्रवर्तन करने के लिए इति, इस प्रकार से शैवा शिव जी के अनुसरण करने वाले, है ना, शिव जी के मत अवलंबने वाले शैवा मन जानते मानते हैं, ये लोग ऐसा मानते हैं, क्यों तदपि कल्पना मात्र, मेरी कल्पना है, तीन तत्व शास्त्र में दिखाया है आत्मा न। आप यदि मान लीजिए क्या हो गया, एक आत्मा और एक माया और एक हो गया ईश्वर, ठीक,
अब आत्मा और ईश्वर, आत्मा यदि ईश्वर को देखता है तो सिद्धांत ईश्वर को देखता है तो ईश्वर दृश्य हो गया, ईश्वर दृश्य मतलब जड़ हो जाता है। और यदि ईश्वर आत्मा को देखता है, जीव को देखता है, तब जीव जड़ हो जाता है, जीव अपने को चेतन मानता है। इस पर तो क्या हो जाएगा, सिद्धांत की कल्पना है। मतलब इसका ईश्वर यदि जीव ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर जीव को देखते हैं, आपस में दृष्टि दृश्य भाव बैठा हुआ है, जिस समय आप दृश्य बन जाएंगे उसी समय आपके अंदर जड़त्व शुद्ध हो जाएगा, दृश्य जड़ होता है। इसीलिए आप बोलते हैं आत्मनो भिन्नते, आत्मा से भिन्न होने से कौन शिवस्य, शिव जी यदि आत्मा के आत्मा से भिन्न हो जाता है, घटादि तुल्यत्व प्रसंग, तो घटादि के तरह एक विषय बन जाएगा। घटादि विषय क्या होता है, जड़ होता है, परिच्छिन्न होता है, नाशवान होते हैं, अनित्य होते हैं। इसलिए यहाँ पे कह जाएगा आत्मन भिन्नते शिवस्य घटादि तुल्यत्व प्रसंग। अजरी बोलते नहीं अभिन्न है, तो क्या हो जाएगा, तुमको तीन अलग अलग तत्व मानने का आवश्यक नहीं, सिद्धांत यहाँ नहीं हो गया। यदि भिन्न मानोगे तब ईश्वर और जीव में घट की तरह जड़त्व आ जाएगा, विषयत्व आ जाएगा। और यदि बोलो नहीं नहीं तीनों एक ही तत्व है, तब तुम्हारे तीन तत्वों के सिद्धि ही नहीं कर पाओ। इसलिए बोलते हैं कि आत्मनो भिन्नते शिवस्य घटादि तुल्यत्व प्रसंग एक, और अभिन्नते यदि आप अभिन्न मानो तब क्या हो जाएगा, तत्वानां त्रित्व व्याघाता, तीन तत्व तुमने माना तो त्रित्व धर्म व्याघात हो जाएगा, तो सब एकत्व हो जाएगा, तो हमारे सिद्धांत में बैठा करेगा। और इन सभी सिद्धांतों के पीछे वो यदि आप ऐसे कहते हैं कि पुरुष से प्रकृति में कंट्रोल करने वाला कौन होता है, कैसे होता है, कब होता है, बोलते इतना मत पूछ, इतना पता नहीं है। यदि ये वो ये उत्तर देते हैं तब आप क्या बोलेंगे, बस यही तो हम बोलते हैं कि सृष्टि के अज्ञान से सृष्टि की हुई है। बस बात हो गई मूल कारण तक प्रश्न के बाद बोले ये क्यों हुआ, एक जगह पे आके सभी बातें बोलेंगे नहीं पता है। उस टाइम आनंद दीदी का टाइम आया नहीं था, बाद में आया, वो तो बोलता है ना भेद भी है और अभेद भी है, अचिंत्य हिसाब से चिंता नहीं कर सकते, अचिंत्य भेदाभाव में आदमी कल तो भेद भी पारमार्थिक है, अभेद भी पारमार्थिक है, क्या बोलना चाहते हैं, दोनों पारमार्थिक हो। अब बता दो अचिंत्य भेदाभेद पर बिल्कुल ठीक है, जो भेद अभेद को हम चिंतन नहीं कर सकते, परंतु हमारा प्रश्न होता है कि तुम पारमार्थिक किसको मानते हो, दो तत्व को पार भेद भी पारमार्थिक और अभेद भी परमार्थिक। आप नहीं यहाँ पे आपको क्लैरिटी ये चाहिए, भेद भी पारमार्थिक है, यदि भेद पारमार्थिक है कभी ईश्वर से मिल पाओगे, यदि अभेद पारमार्थिक है, अभेद पारमार्थिक है तो फिर भेद पारमार्थिक भेद कल्पित है मन, तो हमारे सिद्धांत है। यदि अभेद को पारमार्थिक मानते हो और भेद तब कल्पित मानना पड़ेगा, और यदि भेद को पारमार्थिक मानते हो तो अभेद को कल्पित मानना पड़ेगा, यानी कि ईश्वर से मिलना एक होना कल्पना हो गया। अचिंत भेदाभेद बाद में ठीक है, कोई बात को हम इसको मंत्र दोनों अचिंत इसको आप चिंतन नहीं कर सकते, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते इस विषय ये भेद अभेद के। हमारे पास तीन मत आते हैं, एक है ओडुलमी, एक है आश्मरप, एक है काशकृष्ण। काशकृष्ण आचार्य, ओडुलमी आचार्य और आपका क्या बोले आश्मरप्थ आचार्य, आश्मरप्थ आचार्य, ये जो है एक समकालिक भेदाभेद बाद है और एक अन्यकालिक भेदाभेद बाद है। एक एक है आपका कि जो है मृत्यु के बाद अभेद होता है, यहाँ पे भेद है पारमार्थी के शब्द, एक मतलब कालांतर में भेद भेदाभेद बादी, और एक है समकालिक भेदाभेद। ये जब आपको इसमें आएगा ना आपका जो ये प्रतीक मैंने इस बातों को लेकर कात्मा बार दृष्टव्य मंत्र वृद्धि दृष्टव्य इस बात को लेकर प्रथम चतुर्थ पद में अलग अलग तीन आचार्यों का नाम को देखा आश्मरत्व आचार्य हमारा सिद्धांत का अनुसार, मतलब एक काल में अभेद पारमार्थिक है, भेद कर दीजिए भेद कर दीजिए। इसलिए यहाँ पे अचिंत भेद अभेद बात के सिद्धांत को खंडन नहीं करते, क्योंकि सभी हमारा वेदांतिक सिद्धांत को पुष्ट करते हैं, क्योंकि इस जिसको सोचा है क्या नहीं सोचा जा सकता कि भेद नहीं सोचा जा सकते, हम ये पूछे क्या नहीं सोचा जा सकता, भेद वो तो दिखाई पड़ता है, सभी इसको सोचा क्यों नहीं जाता, तब बोले अभेद नहीं सोचा जा सकता। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक एक मैं अपने आप अपने को विषय रूप में जान भी होना संभव नहीं हमारे सिद्धांत, इसलिए भेद और अभेद दोनों ही यदि नहीं सोचा जा सकते उसमें तो एक पार्ट गलत हो ही जाएगा। भेद तो हम सोच मतलब हाँ आप ये बोलेंगे ये नहीं सोचा जा सकता है कि अभेद होते हुए भी भेद कैसे दिखाई देगा, ये तो हमारी सिद्धांत, अभेद होते हुए भेद कैसे दिखाई देगा यही तो माया है।
अब भेद पारमार्थिक होते हुए अभेद कैसे हो सकता है? भेद पारमार्थिक होते अभेद ये सोचा नहीं जा सकता। यदि अब ये कहेंगे तो कोई कोई उपनिषद हमसे नहीं होगा, भेद को पारमार्थिक कभी नहीं होगा। इसमें ठीक है, इन सभी चीजें अलग अलग बात है। भाष्यकार कुछ नहीं भाष्य लिखते इसको, आनंद के लिए थोड़ा थोड़ा जो है इनको ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल करके समझाना चाहते हैं। ठीक है, देख भी रखेंगे। आज होगा आपका द्वितीय सेकेंड प्रज्ञा वैशाख वेद सुहृद वेद नामांतर भूतान्यालोकमज्ञान्याभिरभिनन्दन प्रभोरे